नमस्कार, टीवीवर इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसे युवा उद्यमी समाजसेवी अश्विन राय जी। कॉलेज से लेकर और बाहर की दुनिया तक उन्होंने अपनी सोच, सक्रियता और संघर्षों के दम पर नया मुकाम हासिल किया है। सोशल और पॉलिटिकल दोनों ही क्षेत्रों में गंभीरता से कार्यरत हैं। वर्तमान में आप सैल्यूट तिरंगा मुंबई के प्रदेशाध्यक्ष हैं और अपनी सक्रियता के दम पर समाज, राजनीति और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है अपने फेस टू फेस में। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि सैल्यूट तिरंगा, जिस संगठन के आप मुंबई प्रदेशाध्यक्ष हैं, दरअसल वो संस्था क्या करती है, क्या उसकी भूमिका रहती है? सैल्यूट तिरंगा जो है वो एक NGO है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, दायित्व ये है कि वो एक नेशनलिज्म की जो सोच है हमारे देश में कैसे वो प्रमोट करे। राष्ट्रवादी की सोच हमारे देश की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए और इसके तरफ इसी सोच को रखना चाहिए। हमारा जो NGO है वो 27 स्टेट्स में है और हम युवा जैसे लोग भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं और हम अपने तरफ से युवा लोगों को जितना इसके बारे में बता सके और इस NGO में ज्वाइन करा सके, हमारी वो कोशिश रहती है। आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप कारोबारी भी हैं, इसके बावजूद भी आपको इस तरह के सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या आवश्यकता पड़ी? जी, मेरे को इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा जो जनरेशन है वो इतना ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है। वो इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर भागना चाहते हैं, अपना लाइफ कंफर्टेबली जीना चाहते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो कंप्लेन भी इतना नहीं करना चाहते, वो सोचते कि चल रहा है तो चलने दो, हमें उससे क्या लेना देना। वो यह नहीं समझ पाते कि हमारे जो वोट्स हैं, हमारे हम 18 साल के ऊपर जब हो गए तो हमारे वोट से ही सरकार चुनी जाएगी, वो हमारे हाथों में आ जाती है जिम्मेदारी कि हम चुने कि हमारा देश आगे कहाँ बढ़ेगा। और अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे वजह से है, हम किसी को उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पूरा पावर होता है पीपल के पास। तो ये हमारे पास ही है कि हम वोट करें और सही लोगों को चुनाव में चुने ताकि वो हमारे देश के लिए भला कर पाए। और भी काफी सारे काम हैं, जैसे कि हम राष्ट्रवादी सोच बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि सोल्जर्स हो गए, मार्टर्ड सोल्जर्स हो गए, उन्हें अगर जब वो शहीद हो जाते हैं उनको सम्मान दे, अगर उनकी फैमिली को फाइनेंशियली कुछ जरूरत पड़े उनकी हेल्प करे, उनका ध्यान दे और जो वो मेहनत करते हैं उसे रिकग्नाइज करे। हम यहाँ अपने शहरों में कंफर्टेबली जी रहे हैं जबकि वो वहाँ पे बॉर्डर पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो वो जो उनकी हार्डशिप है वो रियलाइज हो हम युवाओं को और सभी को कि कितनी मेहनत लगती है एक देश को सुरक्षित रखने में ताकि हम जैसे बीवी बच्चे, हम यंग बच्चे सुरक्षित रह पाए अपने घरों पे। किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं अभी तक और क्या क्या अचीवमेंट रही है तिरंगा, सैल्यूट तिरंगा संस्था की? जी, हमने काफी सारे शहीद सोल्जर्स के लिए प्रोग्राम किए हैं, उनको सम्मानित किया है, हम लोग ने तिरंगा मार्च भी किया है, मेडिकल कैंप्स भी लगवाए हैं अगर ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़े, तो ऐसे काफी सारे काम। और मेन हमारा यही कि सोच, राष्ट्रवादी सोच जो है वो लोगों में कैसे जागरूकता लाए और उनको बताए कि कितना महत्व है ये कि अपने देश के बारे में सोचना, उसके हित में सोचना, उसके हित में काम करना, सिर्फ बैठे बैठे अपने मतलब का काम देखना नहीं होता है क्योंकि अगर एक सोसाइटी आगे बढ़ती है तो साथ में बढ़ती है। आप आगे कहीं लंबे दूर तक नहीं बढ़ पाओगे अगर आप खुद का देखो तो। एक देश इसलिए बनाया जाता है कि सब एकजुट मिलकर काम करें और ज्यादा आगे बढ़े। जब भी इस तरह के संगठन की, खासकर राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन की जब बात आती है तो अक्सर उसका नाम BJP के साथ जोड़ा जाता है। सैल्यूट तिरंगा संस्था के बारे में क्या, कैसा कनेक्शन है, क्या BJP से कहीं प्रेरित है या ये इंडिविजुअली संस्था जो है पूरे देश भर में काम करती है? जी, ये BJP से प्रेरित नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो जनरली अप्लाई होता है सभी को। जिसको भी राष्ट्रवादी सोच पसंद है, जो वैसे सोच रखते हैं, वो हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है, जैसे कि हमारे कनेक्शन में BJP के 2-3 लोग हैं तो हमारा सर्कल भी उसी पार्टी का हो जाता है, किसी और पार्टी से इतना मिलना जुलना नहीं होता है, तो इसलिए ज्यादा BJP के हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा जो एजेंडा है उसमें पॉलिटिकल इंक्लिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष हैं सैल्यूट तिरंगा के, कितने लोगों की संख्या अब तक है, इसमें कितने सदस्य हैं, किस तरह से वो लोग अपना अपना काम करते हैं, कितने जिलों में अभी तक आप विस्तार कर पाए हैं?
जी मुंबई की टीम अभी नई बनना चालू हुई है वापस से, इसलिए अभी टीम में काफी चेंजेस आ रहे हैं। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 100 लोग जुड़ चुके हैं हर एक कोने से है, क्योंकि मुंबई में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। yes. तो हमारे मुंबई के टीम में इंडिया के हर कोने से लोग जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीजों में जितना आगे अपना काम कर सके वो करें। एक सवाल मैं थोड़ा सा आपसे इस देश के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिस तरह का इस वक्त राजनीतिक माहौल चल रहा है उसे आप नए भारत के निर्माण के लिए कितना उपयोगी मानते हैं? आपकी राय में जो वर्तमान राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? जी मेरे ख्याल से जो वर्तमान राजनीति है वो काफ़ी सही दिशा में जा रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। यस, क्योंकि आप अगर देश खुद में निर्भर है, खुद का सामान खुद बना सकता है, खुद की टेक्नोलॉजी उनके पास है कि वो खुद कर पाए, तो इससे हम काफी ज्यादा आगे जा पाते हैं और हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि अगर ये देंगे हमें या ये टेक्नोलॉजी हमें यूज करने के लिए देंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी युवा में ये बिल्कुल क्षमता है कि हम ये सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है, खुद वो यूज कर सके, उसको आगे बढ़ा कर सके, रिसर्च कर सके। हमारे देश के साइंटिस्ट बाहर जाके काम करते वही धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर हमारे देश में ही रुक के काम करे तो हमारा देश काफी आगे जा सकता है। आपको इस वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी खामी आपको क्या नज़र आती है कि अगर भारत की ये जो खामियां अगर दूर कर दी जाए तो रियल में जो इंडिया है वो सुपर पावर बन सकता है? जी खामी तो मुझे यह नज़र आती है कि लोग चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन उसका एक्शन नहीं लेते, वो खुद के दुनिया में सीमित और खुश है, वो चाहते हैं कि देश बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन जब एक्चुअल में काम करने की बारी आती है वो दो कदम पीछे हट जाते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते। तो हमारे युवा में भी यही चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो सच्ची में चेंज आए तो अपने पुराने पीढ़ियों की गलतियों से हम सीखे, जो उन्होंने किए इतने साल गलतियां करते आए, जो हम उन्हें देखे, सीखे, समझे और वो गलतियां हम ना दोहराए। हमारे हाथ में जो वोटिंग का पावर है उसका सही इस्तेमाल करें, सही लोगों को वोट दे और फॉल्स प्रोमिसेस या झूठे वादों या फिर कम्युनिटी के वोट्स ना दे और एक्चुअल में ग्रुप का सोचे एक साथ में, ताकि देश पूरा आगे बढ़े। यस यस, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि कहीं ना कहीं अभी नई सोच को विकसित करने का दौर है। झूठे और छलावे जिस तरह के वादे किए जाते हैं चुनाव में अक्सर आजकल इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, निश्चित तौर पर इसे बचने की ज़रूरत है और स्वयं की जिम्मेदारी इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारी भी निभाने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ सरकार और अधिकारियों के जिम्मे नहीं छोड़ सकते, कुछ जिम्मेदारी नागरिक के तौर पर भी हमारी होती है। आपने बहुत सही बात कही कि अपनी भी जिम्मेदारी इस मामले में निभानी पड़ेगी। तिरंगे का जो अस्तित्व देखें तो ये देश की राष्ट्रीयता, देश की अस्मिता और देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ ये मामला है। लाखों कुर्बानियों के बाद इस देश की आज़ादी जो है हमें मिली है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है पिछले 50 सालों में, जो दौर गुजर रहा है और नई पीढ़ी तक अभी हम आए हैं आज़ादी की, 73 साल हो रहे हैं, आपको लगता है कि हम अपनी आज़ादी को खोते जा रहे हैं या हमें अपनी आज़ादी के संरक्षण का ध्यान नहीं है? आप क्या फील करते हैं इस चीज़ को? जी हमारे आज़ादी का हम महत्व तो ज़रूर भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे यह नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हमें जितने आसानी से हम कर सकते हैं हर चीज़ इस देश में रह के, हमें किसी चीज की रोक टोक नहीं है। yes. ये हमारे पुराने जनरेशन को भी समझना रहेगा कि जैसे नए जनरेशन आते हैं सोच में बदलाव होती है, तो दोनों साइड से थोड़ा एडजस्ट करके दूसरे लोगों का रिस्पेक्ट करके वो आगे बढ़े। अभी राइट्स सबको प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन वो राइट्स का मिसयूज नहीं करना रहता है। हमें आजादी दी गई है लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। yes. हम कुछ भी कर सकते हैं वो पूरी छूट है, लेकिन कहाँ पे क्या करना है, क्या बोलना है, वो थोड़ा सोच के करना चाहिए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे एज ए सिटीजन भी आती है, क्योंकि yes. हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही कहा आपने। एक जो सबसे बड़ा सवाल आजकल यही है कि देश की आज़ादी को 73 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एक बड़ी आबादी जो है आज भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद कर रही है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी इसके लिए तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार जनता को ही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने जिन्हें चुना है इतने सालों तक राज करने के लिए, उन्होंने खुद ही चुना है, और जिन्होंने इतने साल राज किया उन्होंने कार्य नहीं किया, वो भी हमारे ऊपर ही आता है, क्योंकि हमने उनको वोट देते गए,
उनसे ना काम करवाया और उन्हें वोट उनके झूठे वादों के तौर पर देते गए। हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं वोट देना है कि हमारा ही भला हो इसलिए हम वोट देंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरा देश एकजुट आगे बढ़ता है। आप अगर अपने स्वार्थ का ही देखेंगे तो आपके एक दो पीढ़ी तक चलेगा, लेकिन वो आपकी तीसरी पीढ़ी तक खत्म हो जाएगा और उसका कोई लाभ किसी को भी नहीं होगा। तो आगे अगर लंबी सोच रखनी है तो सबको साथ में चल के सबका हित सोचते हुए करना है। और ये जातिवाद के वोट बैंक या फिर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के जो कम्युनिटी एज अ गैदर टुगेदर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उन पे वोट नहीं देना है हमें। आज के आपने एक बहुत गंभीर पहलू की तरफ आपने ध्यान दिलाया कि हमें किस तरफ सोचकर इस लोकतंत्र को मजबूत करना है, और पैसों के लिए तो वोट बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं आपसे युवाओं की सोच और उनके रुझान के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज के युवा हैं वो राजनीति से दूर भागते हैं, समाज सेवा से दूर भागते हैं, उनको सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी उनके मन में कोई इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर भावनाएं नहीं रहती कि इसके समाधान के लिए युवा किस तरह से प्रयास करें। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये सोच ऐसी रही तो क्या भारत का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल रह सकता है? जी, युवा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं और इसको जान रहे हैं कि बाकी युवा में ऐसे कुछ लोग हैं जो इन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ लोग ये अपना प्रयास कर रहे हैं कि ये जागरूकता बने अपने युवाओं में कि इसका महत्व क्या है और ये इसमें इन्वॉल्व है। काफी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप जैसे जानेंगे युवा खुल के अपना भी सोच बोलना चाह रहे हैं, अपनी भी मांगे आगे रख रहे हैं ताकि सब ही एकट्ठे समझे और आगे बढ़े। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लगे रहे जो लोग लगे हैं। चेंज बहुत ही जल्दी नहीं आता, बहुत ही परिश्रम लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। अगर हम बोलेंगे कि यार मैंने इतना तो किया पर कुछ चेंज नहीं आया तो पॉलिटिक्स में इसमें घुस के क्या फायदा, इतने साल से तो लोग कर ही रहे पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जो सोचे वो हमें बदलने की जरूरत है, लगे रहना पड़ता है। आजादी भी हमें कुछ 10 या एक जन के संघर्ष से नहीं मिली थी। 200 साल से संघर्ष चालू था, तब जाके पीढ़ी पे पीढ़ी संघर्ष करते गए तब जाके आजादी मिली। तो वो भी बात हमें समझनी चाहिए कि बहुत ही जल्दी नहीं हमें उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, हमें लगे रहना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली ताकि इसके रिजल्ट्स हमें दिखे। मतलब हालात को बदलने के लिए यूं ही चुटकी बजाकर हालात बदल नहीं सकते, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, उसके लिए निरंतर सतत संघर्ष करना पड़ता है और ये बेहद जरूरी भी है। इसके बिना सिर्फ कहने से काम नहीं होगा बल्कि सही मायने में संघर्ष की जरूरत होती है। एक गाना हम पहले सुनते रहे हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और बच्चा उसका जो दूसरा पहलू है वो कहता है कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी। आज का अगर लॉकडाउन का दौर देखें तो आज बच्चों के हाथों में, बच्चों की मुट्ठियों में सिर्फ मोबाइल दिखता है, तकदीर नहीं दिखती। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई मुट्ठी भर की मशीन से आने वाले भविष्य को बदला जा सकता है, बच्चों की तकदीर बदली जा सकती है? जी, हर चीज़ जो नहीं आती है उसके कुछ अच्छे पहलू रहते हैं, कुछ बुरे पहलू रहते हैं। जैसे कि मोबाइल जैसी चीज़, वो हमें अच्छा है बुरा चीज़ नहीं दे रही है, सब कुछ दे रही है। मोबाइल बेसिकली हमारा बस एक्सेस इजी कर रही है। तो वो एक्सेस हम किस चीज़ों को करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए जिनको करना था वो पहले भी खेलते कूदते थे, कुछ काम नहीं करते थे, ध्यान उनका कहीं और रहता था। अभी बस वो और करीबी आ गई। अगर हमें खेलना कूदना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करना तो हम मोबाइल में तुरंत कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बुरा पहलू हो गया। लेकिन वही अच्छे पहलू पे, हमें दुनिया में कोई भी नॉलेज हो, कोई भी चीज की जानकारी निकालनी हो, 2 मिनट में सिर्फ अपने मोबाइल से निकलता है। आप उसमें कोर्सेज कर सकते हैं, आप उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा जान सकते हैं, दूसरों की गलतियां सुन के अपने आप में सुधार ला सकते हैं, दूसरों की कहानियां सुन सकते हैं। हर चीज इस दुनिया में जो भी पॉसिबल है उस छोटे से डिवाइस में पॉसिबल है। तो आप वो किस चीज के लिए यूज करें उसमें डिपेंड करता है। गेम्स की बात आ गई, जैसे ये सब तो मैं भी बचपन में गेम्स खेलता था लेकिन एक अलग तरीके की खेलता था। कुछ कुछ गेम्स हमें सिखाती भी है। मैं हिस्ट्री के गेम्स खेलता था तो मेरी हिस्ट्री उसमें मजबूत होती थी, मेरे को उसमें भी दिलचस्पी आती थी। तो अच्छे और बुरे पहलू दोनों होते हैं, जिसको जो करना है वो उसी में ध्यान देता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ रैपिड फायर की। सबसे पहला रैपिड फायर का क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जी, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा हिपोक्रेसी पे आता है, जब लोग कुछ कहते हैं वो बुरा कहते हैं और दिखाते कि वो चीज अच्छी नहीं है अगर कोई और कर रहा है तो, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आती है वो करने की तो वो सेम गलत चीज भी करते हैं, तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है। तो वो सोच पे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अगर आप बोलने की क्षमता रखते हो तो करने की भी क्षमता रखो।
आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं देखता हूँ कि मेरा देश पूरे दुनिया में आगे बढ़ रहा है, इंडियंस को रिकग्निशन मिल रही है, जाना जा रहा है कि हमारा महत्वपूर्ण इस दुनिया में क्या है और हम इस दुनिया में इम्पैक्ट कर सकते हैं, और जब मेरे युवा लोग भी आगे अलग अलग फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं, अपने जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं, ये सब देख के मेरे को तरक्की देख के बहुत खुशी मिलती है। आपका फेवरेट फूड क्या है? जी, फेवरेट फूड तो मेरा मेरे मम्मी की पाव भाजी है। मेरे को बाहर कहीं की भी पाव भाजी इतनी अच्छी नहीं लगती, मेरे मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है। परिवार का इम्पोर्टेंस आपके लिए कितना है? मेरे लिए परिवार का तो इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक इंसान जो बनता है 70-80% अपने परिवार की वजह से ही बनता है, क्योंकि सीधी बात है हम सबसे ज्यादा समय उनके साथ ही बिताते हैं, तो उनके जो कल्चरल वैल्यूज, उनका जो सोचने का तरीका है, हम वही देखेंगे और वही आगे करेंगे। बचपन में एक फैमिली का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपके जिंदगी में कभी भी कोई समस्या आए तो फैमिली ही होती है जो सबसे आगे आपके लिए खड़े रहती है, बाकी सब लोग टेम्पररी होते हैं। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मुंबई है, मुझे इस शहर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं कहीं बाहर इंडिया को छोड़ के नहीं रहना चाहूँगा, मैं अपने इस मुंबई शहर में ही रहना चाहूँगा। अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप स्टेट के लिए ऐसा या लोगों के लिए ऐसा आप क्या काम करेंगे? जी, अगर मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले तो ऐसा प्रयास करूँगा कि युवा जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस और एक रोल मॉडल, एक लीडर को देख के प्रेरित हो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो मैं अपनी पर्सनालिटी वैसे बनाना चाहूँगा कि वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करे और पॉलिटिक्स में घुसने के लिए, और ताकि कंपटीशन बढ़े और अच्छे लोग इस फील्ड में घुसे। अगर आपके सामने अचानक भगवान प्रकट हो जाए और पूछें कि अश्विन राय जी आप बताइए एक चीज़ क्या मांगना चाहते हैं, तो आप वो एक चीज़ क्या मांगेंगे? जी, अगर मेरे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो एक चीज़ जो मैं मांगूंगा वो है कि हर इंसान में इंसानियत बढ़े, हम एक दूसरे के साथ शांति और खुशी से रहना सीखे, हम आपस में जो भेदभाव है उन्हें छोड़ के अपनी जिंदगी खुशहाली से जिए, ताकि प्रोग्रेस उसी में होता है। रैपिड फायर मेरा खत्म हो चुका है, अब मैं फिर से जनरल सवाल की ओर आपसे आ रहा हूँ। आप सैल्यूट तिरंगा के मुंबई के यूथ विंग के आप प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आने वाले समय में किस तरह से उसके आप मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या क्या प्लानिंग होगी, क्या कार्यक्रम किस तरह से आपने तय किए हैं? जी, हमारा मेन मिशन तो यही होगा कि हमारा रीच जो हो जितने ज़्यादा जगहों पे पहुंच सके, ताकि ये राष्ट्रवादी सोच और लोगों में भी आ सके। तो मैं इस टीम में जितना हो सके युवा ज़्यादा कर जोड़ना चाहेंगे, ताकि हमारा जो सोच है वो बने और आगे लोग साथ में बढ़े। जो राज्य के अलग जिले वहां पर भी ये संगठन को आप बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राष्ट्र के जितने भी जिले हैं हर एक कोने में हम ये संगठन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश के कोई कोना छूटे ना, क्योंकि देश जैसे मैंने कहा था अगर बढ़ेगा तो सब साथ में एक साथ ही बढ़ेगा, और लंबे इसके लिए साथ में बढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक सवाल यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति से आप कितने प्रेरित हैं, और अगले 2025 में जब इस देश में फिर से आम चुनाव होंगे तो आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मैं उसमें नाम लेना चाहता हूं और आप उसके हिसाब से जवाब दीजिए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश सिंह या अश्विन राय? जी, मैं तो खुद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोजीशन होल्ड ज़रूर करना चाहूँगा अपने लाइफ में, ताकि एक कुछ चेंज ला सकूँ, सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि मेरा ये ज़रूर मानना है कि युवाओं को सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन 2025 में तो मैं श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही वोट करूँगा और चाहूँगा कि वही आए, क्योंकि एट प्रेजेंट जितनी तरक्की वो ला पा रहे हैं मुझे नहीं लगता किसी और में उतनी क्षमता है कि अपने देश के हित में उतना और कार्य कर पाए। एक आखिरी सवाल, और यूं कहें कि ये संदेश है आपके सैल्यूट तिरंगा की ओर से, आप मुंबई के सैल्यूट तिरंगा के युवा प्रेसिडेंट हैं, किस तरह का संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे, मुंबई के, महाराष्ट्र के और देश के युवाओं को, सैल्यूट तिरंगा से वो कैसे जुड़े, क्यों जुड़े? जी, मैं ही कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा हैं वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में ही हम पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, जो भी बने हैं इस देश में ही बने और इस देश के कारण ही बने। तो इस देश के लिए कुछ करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही है। आप सैल्यूट तिरंगा में जुड़ के इस चीज़ में और लोगों को जोड़ सकते हैं,
और इसी सोच के में आगे काम कर सकते हैं। आपको हम जैसे सोच वाले लोग मिलेंगे जिनमें आपका काम भी करने का इजी पड़ेगा, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आपने सैल्यूट तिरंगा जो संगठन है उसके क्रियाकलापों के बारे में, उसके नए प्लानिंग के बारे में आपने जानकारी दी। युवाओं को आपने आह्वान किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और राष्ट्रवादी विचारधारा को विकसित करें, भारत को नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। किसी शायर ने कहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अश्विन राय जिस तरह से, जिस सोच के साथ, जिस सक्रियता के साथ और जिस जज्बे के साथ सैल्यूट तिरंगा को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे। आज की हमारी बातचीत में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई है तो आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।